हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे रेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो दरअसल हमारी सिक्स स्टेप स्ट्रेटेजी के बारे में है। रेस इंस्टीट्यूट की जो भी ब्रांचेज हमारे ऑल ओवर इंडिया है वहां में हम एक यूनिक सिक्स स्टेप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब ये सिक्स स्टेप स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम क्यों फॉलो करते हैं, इसी के बारे में आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने अपने सारे जो सिक्स स्टेप हम फॉलो करते हैं उनको यहाँ पे लिख रखा है। अब पहली बात यह है कि हम इन सिक्स स्टेप्स को क्यों फॉलो करते हैं। जनरली अगर हम बेसिक क्लासेस की बात करते हैं उससे बच्चे के जो रिजल्ट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 40-50% तक होती है। बट जैसे ही बच्चा हमारे सिक्स स्टेप प्रोग्राम को पूरी तरह से फॉलो करता है वही उसके एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 90-100% तक हो जाती है और यही हमारे सिक्स स्टेप प्रैक्टिस स्ट्रेटजी को स्पेशल बनाता है। तो आज मैं उसी चीज को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर वन से। अब यहां आप देख सकते हैं जो स्टेप नंबर वन है मेरा वो है बेसिक बैच, जिसको हम बेसिक बैच बोलते हैं। अब इस बेसिक बैच में होता क्या है, इस बेसिक बैच में बच्चों के कंसेप्ट की तैयारी कराई जाती है। दरअसल बच्चा जब एडमिशन लेता है इंस्टीट्यूट में हम 40-60 डेज अगर बात करूं 40-60 डेज तक हम उनको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो कि होता है हमारा बेसिक बैच। और ये जो क्लासेस होती है ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि बच्चे के कंसेप्ट की तैयारी कराई जाती है। स्पीड में इतना ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जहां अगर मैं बात करता हूँ हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी के एग्जाम होते हैं चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां पे बच्चे की एक्यूरेसी भी उतनी इंपॉर्टेंट रखती है जितनी स्पीड। बट हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली पहले हम बच्चे की एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। तो उसी एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले हम उसके बेसिक को बिल्ड करते हैं और उसी बेसिक को बिल्ड करने के लिए बच्चे को 60 डेज तक यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। अब ये चीजें बाकी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ उन्हीं इंस्टीट्यूट में ये चीजें कॉमन होती है। बट हाँ, यहाँ रेस में हम कुछ अलग करवाते हैं जिससे कि बच्चे के कंसेप्ट और अच्छे तरह से पक्के हो जाते हैं। वो क्या चीज होती है, उसको हम बोलते हैं बेसिक सर्कल। ये एक यूनिक प्रोग्राम होता है जो रेस इंस्टीट्यूट में ही करवाया जाता है। इस प्रोग्राम में होता क्या है कि बेसिक बैच में बच्चे आके क्लासेस 3 घंटे की क्लासेस अटेंड करते हैं और उस 3 घंटे की क्लासेस अटेंड करने के बाद उसी दिन 3 घंटे का प्रैक्टिस प्रोग्राम होता है जिसको हम बोल लेते हैं बेसिक सर्कल। अब उस प्रैक्टिस प्रोग्राम में जो भी चीजें बच्चे क्लासेस में पढ़ते हैं उन्हीं चीजों के ऊपर उनको प्रैक्टिस शीट्स मिलती है जिनको हम वर्कशीट बोलते हैं और उन्हीं वर्कशीट को वो बेसिक सर्कल में जाके सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा स्टूडेंट है वो बेसिक सर्कल और बेसिक बैच को मिला के 7 घंटे डेली डिवोट करता है फॉर 40-60 डेज। इस तरह से वो अपने बेसिक की तैयारी करता है हमारे पहले 2 स्टेप में। अब इसके बाद जैसे ही बच्चे की बेसिक कंप्लीट हो जाते हैं उनके सारे कंसेप्ट उनको सिखा दिए जाते हैं, कंसेप्ट के साथ उनको ट्रिक्स भी बता दिए जाते हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस का। हमने एक्यूरेसी के बाद स्पीड पे भी काम करना होता है तो उस चीज के लिए हम स्टेप 3 पे पहुंच जाते हैं जिसको हमने नाम दिया होता है एक्सट्रीम सर्कल। अब एक्सट्रीम सर्कल में हम बच्चों को क्लासेस नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एग्जाम देना होता है बच्चों ने देना होता है और प्रैक्टिस भी किसने करनी होती है, बच्चों ने। तो उसी चीज के लिए हम बच्चे को बेसिक सर्कल से एक्सट्रीम सर्कल में डाल देते हैं। ये बेसिक सर्कल की तरह एक 30 डेज का प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे 6-7 आवर तक डेली प्रैक्टिस करते हैं। अब हर बच्चा बेसिक सर्कल से एक्सट्रीम सर्कल तक नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि उससे पहले हम बच्चे का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं। ठीक है, जब भी बच्चा बेसिक सर्कल से एक्सट्रीम सर्कल में जाएगा, अब इस एक्सट्रीम सर्कल में बच्चे को लेवल 2 के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन में हम एप्टीट्यूड को कवर करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करते हैं, इंग्लिश कवर करते हैं। इसके अलावा एड ऑन जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें डेली करंट अफेयर होता है, वो क्या पढ़ाई जाती है, उसके साथ हम इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ाए जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई जाती है। ये सारी चीजें, ये जो 6-7 घंटे बच्चा एक्सट्रीम सर्कल में देता है उसमें ये सारी चीजें नेक्स्ट 30 डेज में करवाई जाती है जिससे कि
बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूर करते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने स्पीड पे भी ध्यान देने लग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चा अब 90 डेज तक प्रैक्टिस कर लिया होता है। बट हाँ, उसके बाद क्या, उसके बाद बच्चा अपनी पढ़ाई से डिसकंटिन्यू ना हो जाए, घर बैठ के अपने किसी और जगह डाइवर्ट ना हो, तो हम उसको फिर एक और प्रोग्राम देते हैं जिससे कि वो अपने एग्जाम की तरफ और मोटिवेट हो। तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं रिप और सुपर बैच। अब ये सुपर बैच और रिप प्रोग्राम होता है, इसमें हम टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 80-90% होती है। ये जो क्वेश्चन हम उनको प्रोवाइड करते हैं सुपर बैच में या रिप प्रोग्राम में, ये बेसिक और एक्सट्रीम लेवल से बहुत टफ लेवल के होते हैं। तो यहां पे बच्चा अगेन 30-40 डेज के लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रैक्टिस करता है। अगर मैं रिप की बात करूं, ये है रियल इंटेंसिव प्रोग्राम, जिसमें बच्चा सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे इन हाउस जो लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, वहां पे प्रैक्टिस करता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, जो कि रेसिंग उसको प्रोवाइड करता है। तो उसकी प्रैक्टिस वो 30-40 डेज तक करता है साइमल्टेनियसली विद सुपर बैच, जिसको हम कहते हैं फोकस बैच। एक तरह का फोकस बैच होता है जो कि किसी भी एग्जाम आने से 30 दिन पहले हम रन करते हैं। जैसे कि अभी सारे एस्पायरेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, सभी SBI PO की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे रेस इंस्टीट्यूट जो चंडीगढ़ ब्रांच है, वहां पे भी हमने SBI का सुपर बैच चलाया था, जो जिसके लगभग 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस सुपर बैच में टफेस्ट लेवल, जिन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, उनकी हम ऑफलाइन तैयारी भी कराते हैं सुपर बैच में, और टेस्ट सीरीज भी बच्चों को देते हैं जो कि वो रिट प्रोग्राम के जरिए करते हैं। और ये चीज वो एग्जाम से 30 या 40 दिन पहले करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी प्रोग्राम, ये जो हमारी 6-step स्ट्रेटेजी है, इसी को फॉलो करके हम उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी, एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी को 90-100% तक पहुंचा देते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां बेसिक से बच्चा स्टार्ट होता है, आगे एक्सट्रीम सर्कल तक जाता है, रिप पे जाता है और सुपर बैच जाता है। जो मेरा फाइनल स्टेप है, उसको हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। अब बच्चे प्री एग्जाम देते हैं, मेन एग्जाम देते हैं, मेन एग्जाम देने के बाद भी हम बच्चे को पूरी तरह से मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। ये मॉक इंटरव्यू एक 10 डेज प्रोग्राम है। उस 10 डेज प्रोग्राम में हम बच्चे को क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में उन्हें रियल टाइम मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक इंटरव्यू लेने के लिए हमारे DGM और AGM लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, उनके साथ टाइप किया जाता है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसी तरह से बच्चे फुली ड्रेस में आते हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, और फाइनली 2 या 3 मॉक इंटरव्यू उनके यहीं लिए जाते हैं। अब इस मॉक इंटरव्यू की जो खास बात है, मैं वो आपको बताने जाता हूं। हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे को रियल टाइम रिव्यू दिया जा सके कि बच्चे ने इंटरव्यू देते वक्त कहां गलती की, कहां उसको उस गलती को सुधारना चाहिए, कहां उससे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर उसको किस तरह से करना चाहिए, बॉडी जेस्चर कैसा होना चाहिए और आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, किस तरह से वॉक करना चाहिए। इस तरह से जो सारे एस्पेक्ट होते हैं, हमें जो इंटरव्यू में ध्यान देना चाहिए, वो वीडियो के थ्रू हम उनको बताते हैं, जिससे कि बच्चों को काफी फायदा होता है और वो वीडियो के लिए मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो गाइस, आपने अभी देखा कि किस तरह से हम अपने रेस इंस्टीट्यूट में इस 6-step स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और बच्चों के एग्जाम के क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी को